गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? तो आज आई हुई है मेरी नंद। लॉकडाउन की वजह से वो 3 महीने से अपने ससुराल में फंसी हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ। वैसे आज बिरयानी बनेगी, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमारी नंदे हैं, पानी खा खा के हाथ में तरह दोनों लेती हैं। दिखाओ, बहुत बुरे लग रहे हैं, बता रहे पेट में। दिन मेरा आप सब, ये है मेरी बेटी सारा। बोलो आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मेरा दांत टूट गया था, अब निकल आया। ये देखो लहंगा साड़ी हमें तुम देना, शादी में हम पहनेंगे। शादी में हम पहनेंगे वली में तुम मेरा लहंगा पहनना। ऐसी नंदे हैं, ऐसी नंदे हैं। एक हमने मांगा लहंगा, लेकिन हम लोग बनाने आए थे YouTube के लिए वीडियो, मतलब जो मेरा पुराना चैनल है उसके लिए वीडियो, लेकिन कोई वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि समझ ही नहीं आया कि बनाना क्या था। और मैंने सारा का यहाँ पे लाइनर लगा दिया है। शो शो करो, आँख बंद करो, क्लोज आइज। और ये डर रही थी बहुत ज्यादा लाइनर लगवाने में, तो अभी बेचारी मेरा सामान रख रही है उठा के। बहुत काम काजू लड़की है, बहुत ज़्यादा काम करती है ये लड़की। और इसने अभी मेरा मेकअप किया था जो कि मैंने रिमूव कर दिया थे, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। हाय गाइस, तो नंद आई हैं जैसे कि आप लोग को बताए हैं, वो हर टाइम खाली खाई नहीं। जब से आई हैं सोफा पकड़ ली है, उसमें 3 घंटे से बैठी है, तो वही चाय चौमिन और सब वही बैठे बैठे खा रही हैं। ये देखो वो जो कोने में छिप रही है, ये वही है, भर कटोरा अभी चौमिन खा रही है। अभी कही है बिरयानी बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। तो अभी अभी चौमिन खत्म नहीं हुई है, अभी चौमिन खत्म नहीं है, और कम से कम 2 प्लेट से कम बिरयानी खाएंगी नहीं। लॉकडाउन में ये बहुत ज्यादा फैल गई है, सबसे ज्यादा फायदा लॉकडाउन में होने को मिला है। तो गाइस चलो आप लोग के साथ बिरयानी, आज ये बिरयानी की रेसिपी शेयर करते हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनाती हूँ। ओके सो चलो, यहाँ पे मेरे मसाले हैं मैंने निकाली है बिरयानी के लिए, तो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। ये है सौंफ, ये है जीरा। जीरा जितना मतलब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है, लाइक जो ये छोटा वाला स्पून होता है खाने वाले, इससे लिया है। ये 2 स्पून है, और ये सौंफ जो है 2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि सौंफ का जो महक होती है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। और 2 ये स्टार्च जो मसाला आता है वो 2 क्या मतलब एक ही है, एक है और एक हाफ है। ये 2 काली मिर्च सॉरी बड़ी इलायची है, 6-7 लौंग है, थोड़ी सी जो है ये दालचीनी की लकड़ी है, और थोड़ी सी जो है ये काली मिर्च है। बस ये गरम मसाला इतना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा लहसुन लिया है, प्याज अदरक थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, और ये सारा मसाला जो है आपको 1 किलो से थोड़ा सा कम, मेरा जो गोश है और चावल भी 1 किलो से कम का ही है, तो उस मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम बस। उसके बाद इसमें डालेंगे तेल, तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आपको खाना हो, मतलब कम ज़्यादा आप लोग जितना एडजस्ट करते हो खाने में। उसके बाद यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दिया और प्याज डाल दिया, और अब इसको अच्छे से लाल होने देंगे। उसके बाद तो अभी प्याज को लाल होने देंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले इसकी यखनी बनानी है,
तो उसके लिए प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए, लाइक मीडियम ब्राउन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें गोश्त जब डालेंगे तो उसको भूनना होगा, तो भूनते भूनते वो प्याज और ज़्यादा लाल हो जाएगी। तो अभी हमारी प्याज जो है थोड़ा सा लाल हो रही है। अब इसमें डालेंगे गोश्त, तो ये मतलब चिकन, तो ये आपको जैसे बताया मैंने कि एक किलो से थोड़ा सा कम है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, एक किलो से थोड़ा सा कम, क्योंकि बहुत महंगा, इसलिए मैंने सोचा दो बार बना ली। तो इसको बहुत अच्छे से आपको भूनना है। भूनने के बाद आपको इसमें जब हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें मसाला डालना है, और आधा से थोड़ा ज़्यादा मसाला डालना है जितना हमने पीसा उसको, और जो थोड़ा बचा होगा मसाला उसको वापस रख देना है, उसको चावल में यूज़ करना है। तो खाना बनाते बनाते ये सर आ गए हमारे किचन में और अपना गृहस्थी करने लगे। तो जब भी खाना बनाते हैं ये ज़रूर आ जाते हैं। मार अपना जो इनका दिल करता है करते हैं। आते हैं फिर से, तो चिकन आप देख सकते हो मसाला डाल के भून दिया है मैंने यहाँ पे अच्छे से। तो देखिए आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया। तो इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने ऊपर कर सकते हो, और गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने गरम मसाला पीस रखा है। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि जितना आप नमक खाते हो चिकन में उतना ही पड़ेगा, और चावल में भी इक्वल इक्वल ही पड़ेगा। तो अब आते हैं चावल, जब तक ये भुनता है मेरा चिकन तब तक हम चावल बना लेते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा और प्याज, ठीक, और प्याज को लाल होने देंगे। लाल होने के बाद इसमें डाल देंगे हरा मिर्च, उसके बाद इसमें डालेंगे जो बचा हुआ मसाला था वो डालेंगे। तो मेरा अभी चिकन जो एक तरफ पक रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अपना पुलाव मतलब कि चावल बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये मसाला भुन गया है। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डालना है कि आपका चावल सिर्फ डूब जाए, मतलब कि हल्का हल्का ऊपर से दिखता रहे, इतना आपको पानी डालना है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया नमक और इसको हल्के से घोल दिया, और ये चावल मैंने आधे घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये बासमती चावल है। और इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना, पहले आप कम डालिएगा उसके बाद आप देखिएगा। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का से झलक रहा है चावल अंदर से। उसके बाद अब इसको ढक देना है आपको। तो हाय करो, हाय गाइस, बोलो हाय, नहीं बोलो हाय गाइस, बोलो। अरे किचन में, किचन में नहीं लाते ग्रीन, नहीं इधर देखो ग्रीन, बोलो हाय गाइस, बोलो हाय गाइस, बोलो। इनको खिलाने के चक्कर में अपनी यखनी देखना भूल गई, वो बिना पानी के पकाना है। ये अब हम अपनी यखनी देख लिए, ये तैयार हो चुकी है, भुन गया है। तो यहाँ पे चावल भी मेरा पक गया है, मतलब पका नहीं है, पानी सूख गया। अब इसको स्लो कर देंगे एकदम, ये स्लो स्लो पकेगा। अब यहाँ ये अच्छा सा 80% कुक हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूँगी अपना फूड कलर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके ऊपर डालना है यखनी जो हमने चिकन भुना हुआ है। तो आप इस तरीके से फैला फैला के आपको डालना है, और किनारे किनारे जो तेल रहता है यखनी में वो आपको डाल देना है। आप चाहो तो इसके ऊपर तली हुई प्याज डाल सकते हो, मतलब ब्राउन अनियन डाल सकते हो। उसके बाद इसको ढक के इसको आपको 15 मिनट तक ऐसे दम देना है, कुछ भारी से रख दें। तो दम देने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया है, और अब हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। बस इसको मिलाना है, तो मिलाना आप चम्मच से मत मिलाइएगा, प्लेट से मिलाइएगा, हमेशा छोटी प्लेट लेके मिलाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं, तो आपके चावल टूटेंगे नहीं इसे। तो इस तरीके से आप छोटी सी कोई प्लेट ले लीजिए, उसी से हमेशा आप बिरयानी को इस तरीके से मिलाइएगा। तो अगर आपके चावल बिरयानी के टूट गए ना, तो फिर आपका जो है बिरयानी बहुत मतलब इतनी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आप देख सकते हो एक एक चावल खिले खिले से लग रहे हैं, अलग अलग से लग रहे हैं। तो बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, एक एक चावल अलग अलग सा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा मसाला मैंने अच्छे से मिला दिया है, और कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है हमारी बिरयानी। तो मैंने रायता बना लिया है, वो इसलिए कि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने रायता की रेसिपी नहीं शेयर की आप लोगों के साथ। तो अब बारी आती है निकालने की, इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है, अब बारी आती है खाने की। तो चलिए आप लोग के साथ अब खाना खाते हैं। सो गाइस, अब बिरयानी बन चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो अब जा रहे हैं खाने के लिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बैठी है
कैसी है सारा? ठीक ठीक है, अच्छी है, ठीक है ना, अच्छी है। ब्लैक मेल करने को बुला लिया, ठीक है, अच्छी है। मुंह तो खोलो। अरे किचन में कहाँ रखी सही है छुपा के? उसमें तुमको इतना दिया खट्टा लगा था पास कुर्सी के पास। ये देख है। अबे ये देख खट्टा चीज है। माँ तुम सारा लाना था तुम्हारे पास। Yeah.